ठीक है जी, तो आपको एक तो ये एटमोस्ट का समझ में आया। हाँ, ये मैं से मैंने किया हुआ है, ऑलरेडी लेक्चर जो है ना वो कल PGCN वाला अपलोडेड है, तो इसमें ये सारी चीजें हैं, लेकिन ये दोबारा मैं अपलोड करूंगा। आप क्योंकि आपके सामने ये वाला हुआ है तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। और एक्स मैंने कहा कि ये अगर 80 है और म्यू आपका जो है ना वो 70 है, हाँ, तो आपका ये जो कर्व बनेगा म्यू आपका 70 और 80 यहाँ पे आएगा, तो एटमोस्ट 80 का मतलब ये होगा कि 80 एंड बिलो ये पूरा एरिया आपसे मांगेगा, और एटलीस्ट 80 का मतलब ये है कि ये वाला एरिया आपसे मांग रहे हैं ऊपर वाला 80 एंड अबव। ये जैसा मैंने आपको समझाया। अच्छा जी, अब अगर हमें परसेंटाइल दिया गया है तो उससे जी स्कोर कैसे कैलकुलेट करेंगे, और अगर जी स्कोर दिया गया है तो उससे परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे दिया गया है 75th परसेंटाइल। क्या दिया गया है? 75th परसेंटाइल। पहले आप कर्व खींचे कि आपका 75th परसेंटाइल कहां पे फॉल कर रहा है। 75th परसेंटाइल मिड में से आगे जाएगा या पीछे जाएगा, ये हमेशा याद रखें कि कर्व पे ये मिड लाइन जो है ये 50th परसेंटाइल है। 50th, तो 75th कहां आएगा? इधर आएगा ना, राइट इधर टीचर। आएगा। अच्छा जी, अब आपने करना क्या है, इससे जी स्कोर निकालने के लिए सबसे पहले आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें। क्यों? इसलिए कि टोटल एरिया जो है वो 100 के बराबर है, और अगर एक से लेकर यहां तक जो एरिया है वो 75% के बराबर है। ऐसा है, ये 75% के बराबर है। जो बंदा इधर खड़ा है उसने इस कर्व के अंदर 75% ऑफ द एरिया कवर किया हुआ है। इसको जब आप 100 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 0.75, 0.75 ये एरिया। ये एरिया कहां से? यहां से लेकर यहां तक का जो एरिया है वो 0.75 है। और आपने यहां पे अगर जी स्कोर मालूम करना है तो आपको कौन सा एरिया चाहिए? फिर बीच में से ये वाला एरिया चाहिए आपको। तो ये कैसे डिटरमिन करेंगे? ये वाला एरिया, ये टोटल एरिया यहां से यहां तक 0.5 के बराबर है, और यहां से लेकर यहां तक 75 है, 0.75 है। तो ये वाला एरिया आप कैसे निकालेंगे? जब आप 0.75 से 0.5 माइनस करेंगे, हाँ, तो ये आएगा आपके पास 0, 0, 5 और 2, तो 0.25 ये आपका एरिया है ये वाला। इसको आप जी टेबल में जरा देखें, ये मेरे हाल में एग्जैक्ट एरिया आपके पास नहीं है, लेकिन जी टेबल में 0.25 और 1.7 है, जो 0.08 के नीचे हैं, हाँ, और 0.5 के सामने है। आप जरा टेबल में देखे हैं, इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो आपके पास जी वैल्यू आएगा। तो जी वैल्यू इज इक्वल टू इसी कट पे 0.5 प्लस 0.08, ये आपका बनेगा 0.58, 0.58। ठीक है जी, तो सर यहां ये पर जीरो आपका पॉइंट जीरो एट कहाँ से आ गया? ये टेबल में देखें ना, टेबल में आप देखें तो ये जो एरिया है ये 0.2500 का एरिया नहीं है, बल्कि ये 1.7 है। तो ये 0.08 के नीचे फॉल कर रहा है, आप टेबल में देखें, ठीक है जी, इसके नीचे है और इसके सामने है, तो इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो आप हमारे पास जी वैल्यू आ जाता है। समझ में आ गई बात? ये तो हम आप ऑलरेडी अच्छा खासा सही प्रैक्टिस कर चुके हैं ना, इससे तो आपने जी वैल्यू निकाला। अब जी वैल्यू से आप परसेंटाइल कैसे निकालेंगे? सपोज जी वैल्यू मेरे पास है 1, 2 है, और मुझसे कहा जाता है कि इस पे परसेंटाइल आप मालूम करें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी जी वैल्यू हमारे पास आ जाता है ये +2 है, तो कर्व बना के इसको लोकेट कर दें। कर्व जब हम बनाते हैं तो इसके तीन बराबर हिस्से इधर कर देते हैं, तीन बराबर हिस्से इधर कर देते हैं। अब चूंकि ये प्लस में है तो लिहाजा जी वैल्यू आपका इधर है, जी इज इक्वल टू 2
ये आपका इधर है, फिर आप क्या करेंगे कि इस z वैल्यू के लिए आप ये एरिया मालूम करेंगे, ये तो हमें पता है कि कितना है, 0.5 है, लेकिन ये वाला हमें नहीं पता, ये आप टेबल में देखेंगे तो ये 0.4772 के बराबर है, 0.4772 के बराबर है। अब यहां पे अगर मैं परसेंटाइल मालूम करूंगा तो मुझे कौन सा वाला एरिया चाहिए फिर ये परसेंटाइल को कैलकुलेट करने के लिए, डिटरमिन करने के लिए? हाँ जी, स्टार्ट से सर, स्टार्ट से, गुड। यहां से लेकर यहां तक का एरिया मुझे चाहिए, ये तो मैंने मालूम कर लिया और ये ऑलरेडी मालूम है 0.5 के बराबर है, तो दोनों को एड अप करेंगे तो टोटल बनेगा ना 0.4772, ये बनेगा आपका 0.9772 यहां तक। अगर इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूं तो ये 97.72% बनता है, और परसेंटेज की सिंबल हटा के इसके साथ टीएच लगा दे तो ये आपका परसेंटाइल बन जाता है, जैसे हमने वो रिवर्स कर दे उस प्रोसेस को। जब हम परसेंटाइल से जी मालूम कर रहे थे तो इसी परसेंटाइल से परसेंटेज में कन्वर्ट करते थे, फिर एरिया में कन्वर्ट करते थे, अब एरिया से परसेंटेज और परसेंटेज से फिर परसेंटाइल। तो ये बंदा जो कड़ा है, ये कौन से वाले, ये 97 और 98 वाले ग्रुप में जो है ना, इसके बीच में कड़ा है, 97.72। बात समझ में आ गई? हाँ जी, आवाज दिया करे जी। यस सर। हाँ जी जी जी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। एक अगर मुझे दिया गया है कि जी स्कोर मेरे पास है लेट सपोज 2, सिग्मा मेरे पास है 10, और मीन मेरे पास है कितना, ये है 70, और मुझसे कहा जाता है कि इससे आप एक्स कैलकुलेट करें, तो ये मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, दिस इज समहाउ इंटरेस्टिंग। सबसे पहले मुझे एक्स का फॉर्मूला निकालना होगा, z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि z इधर ले आऊं, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा इसको इधर ले आऊं, ये सिग्मा को यहां से हटा दे, मल्टीप्लाई करे, इसके साथ भी सिग्मा मल्टीप्लाई करे, ये इसके साथ कटेगा, ये आपके पास आएगा x माइनस म्यू। ये मैथमेटिकल रूल है ना, कि आप एक चीज को निकालने के लिए अगर इक्वेशन है तो एक को माइनस प्लस से उसको खत्म कर दे और एक इस साइड पे रह जाए x माइनस म्यू। अब क्या इसको प्लस म्यू से इधर खत्म कर दूं तो मेरे पास z क्यू और प्लस म्यू आ जाएगा, ये खत्म हुआ, और x का फॉर्मूला क्या बचा मेरे पास, z क्यू प्लस म्यू, ये नोट कर ले, ये आपका फॉर्मूला है फॉर डिटर्मिनिंग x। अब x को मालूम करने के लिए आप सिर्फ वैल्यूज डाल ले, ये आपका है 2, ये आपका है 10 और प्लस म्यू 70, तो ये आपका कितना बना, 20 प्लस 70 इज इक्वल टू 90। अब 90 जो भी वेरिएबल है उसका यूनिट आप लगा दे तो x यहां पर कितना बना, 90 बना। सपोज ये मार्क्स हैं, अगर मीन 70 लोगों ने जो है ना मीन मार्क्स लिए वो 70 हैं और विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10, तो ये बंदा जिसने जिसका जी स्कोर 2 है उसने 90 मार्क्स लिए हैं, उसका इंडिविजुअल स्कोर कितना है, 90 मार्क्स है, तो ये आपका पूरा परसेंटाइल एंड स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब सिर्फ आप स्लाइड को देख के आपको समझ में आ जाएगा। इसको देखें, परसेंटाइल आर पोजीशन मेजर यूज्ड इन एजुकेशन हेल्थ रिलेटेड फील्ड्स टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल इन अ ग्रुप। Percentile divide the data set into 100 equal groups. At least 10% of the data lie above the n percentile, and at most 100-1% of the data lie below the n percentile. For example, 90th percentile indicates that at least 10% of the data lie above it, and at most 90% of the data lie below it. So it shows or indicates the position of a person, where he or she stands in that particular curve, yeah, total out of 100 groups. Percentile of normal distribution
In order to compute the percentile of a normal probability distribution, first we need to learn the computation of percentile of the standard normal distribution using the standard normal curve. Ye dekhe, suppose Z has a standard normal distribution, find the 84th percentile of this distribution. Ye abhi pehla wala humne kiya tha. 84th percentile. सबसे पहले क्या करेंगे, 84 परसेंटाइल को परसेंटेज में, फिर इसको 100 पे डिवाइड करें एरिया में, और फिर आपको जी स्कोर यहां पर चाहिए, तो ये वाला एरिया जो है ये 0.84 से माइनस करें, ये वाला बच जाएगा, और इसको जब आप देखेंगे जी टेबल में तो एग्जैक्ट एरिया 0.3400 नहीं है लेकिन 0.3413 है, तो ये 1 के बराबर है, तो यहां पर आपका जी स्कोर जो है ना 1 के बराबर हो जाएगा। अच्छा जी, फाइंड द 50th परसेंटाइल और द मीडियन परसेंटाइल। 50th परसेंटाइल पे हमेशा जी स्कोर कितना होता है, 50th परसेंटाइल पे जी स्कोर कितना हो, हां जीरो जीरो। ये देखें, अगर ये कर्व है हां और ये 50th परसेंटाइल है, तो जी स्कोर ना इधर गया है ना इधर गया है, लिहाजा जी स्कोर जो है ना वो सिफर के बराबर होगा। दूसरी सूरत क्या है कि फॉर एग्जांपल यहां पर एक बंदा खड़ा है और आप जी स्कोर मालूम करना चाहते हैं, तो ये एरिया 0.5 है और 50th परसेंटाइल भी 0.5 के बराबर है, तो 0.5 से 0.5 माइनस कर दें, ये आपके पास जीरो आ जाएगा। तो ये सूरत भी है, अगर आप जी स्कोर मालूम करना चाहें या सिंपली 50th परसेंटाइल पे आपका जी स्कोर जो है ना वो सिफर के बराबर होगा। अच्छा जी, 16 परसेंटाइल पे मालूम करें, तो 16 परसेंटाइल पे अब आप देखें जी स्कोर जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा, इसलिए कि ये आप कर्व खींचें, 16 परसेंटाइल आपका कोई इधर आएगा, हाँ ये 16 है, तो 16 को आप परसेंटेज में करो, 16 परसेंट बनेगा, 100 पे डिवाइड करें 0.16 बनेगा, हाँ और फिर आपको कौन सा एरिया चाहिए, यहां से लेकर यहां तक का, सॉरी ये वाला एरिया आपको चाहिए जी स्कोर डिटरमिन करने के लिए, ठीक है जी। तो यहां से लेकर यहां तक का एरिया 0.16 है, लेकिन ये एरिया मालूम करने के लिए 0.5 से इसको माइनस कर दे, टोटल 0.5 है ना इस साइड पे एरिया है नहीं, ये वाला यहां तक 0.5 के बराबर है ना यहां से यहां तक, तो ये अगर हम मालूम करेंगे तो सिंपली 0.5 से माइनस कर दें, तो ये बनेगा 0.04 और ये बनेगा 0.3400। ये एक्चुअल एरिया 0.3413 है टेबल में, एक्चुअल एरिया नहीं है, तो ये वाला जो है और इसको आप देखेंगे तो ये 1 के बराबर है जी टेबल में, लेकिन यहां पर जब हम जी स्कोर लिखेंगे तो ये 1 नहीं लिखेंगे बल्कि -1 लिखेंगे, इसलिए कि ये मीन से बिलो है, इस तरफ है, या मैं डायरेक्शन बता देता है, एरिया में कोई फर्क नहीं होता, -1 और 1 के लिए एरिया एक जैसे होता है, लेकिन -1 लगाने के बाद हमें पता चल जाता है कि ये बंदा कहां पर खड़ा है, मीन से नीचे या ऊपर है, अगर -1 है तो इसका मतलब है 1 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो द मीन है, तो नीचे जब आप जी स्कोर मालूम करेंगे तो उसके साथ माइनस लगाएंगे आप। अच्छा जी, सपोज द रिएक्शन टाइम ऑफ पर्टिकुलर ड्रग एक्स हैज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एट द मीन ऑफ 10 मिनट्स एंड अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 मिनट्स, फाइंड द 50th परसेंटाइल और मीडियन रिएक्शन टाइम। क्या होगा मीडियन रिएक्शन, एक्स मालूम करना है यहां से आपने, हां मीन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, परसेंटाइल दिया हुआ है, परसेंटाइल से आप जी स्कोर निकालेंगे, और यहां पर आपसे रिएक्शन टाइम मांग रहा है। रिएक्शन टाइम का मतलब है कि यहां पर जो बंदा कड़ा है उस पर ये दवाई कितने टाइम में जो है ना वो असर करता है, यानी रिएक्शन करता है। चलो इसको कर लेते हैं, ये परसेंटाइल आपका कितना है, परसेंटाइल आपका है 50th, यहां पर आपने एक्स मालूम करना है जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास है 2 और मीन आपके पास है 10 मिनट्स, तो एक्स का फॉर्मूला क्या है, जी क्यू
प्लस म्यू। जी आपका सिफर है, यहां पर ये टू है और ये टेन है, तो ये टेन मिनट्स के बराबर है। टेन मिनट्स है ना, इसको दो से मल्टीप्लाई करें तो सिफर हो जाएगा, प्लस टेन टेन हो जाएगा। ठीक है जी, समझ में आ गई। तो एक्स यहां पर जो बंदा कड़ा है, रिएक्शन टाइम उसका कितना है, दस मिनट के बाद उस पर दवाई जो है ना वो रिएक्शन करेगा। हेलो हाय में जवाब दिया करें, मुझे पता नहीं चलेगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जी सर। हाँ जी, यस सर, समझ आ रहा है। आ रहा है, अच्छा अब आप आ जाए इधर। व्हाट विल बी द 84th percentile? 84th percentile ऑलरेडी हम कर चुके हैं, लेकिन इस परसेंटाइल पे आपका जी स्कोर कितना है 84 पे? ये आपका स्टैंडर्ड डिविएशन 1 के बराबर है, अभी हमने किया था पिछले स्लाइड में, मैं दोबारा कर देता हूं। 84th percentile का मतलब है कि 58 से इस तरफ है, ये 84 पे, ये 84% 0.84, तो ये वाला एरिया जो आपको चाहिए 0.5, इससे माइनस कर दे तो आपके पास आ जाएगा ये 4 और ये 3। ठीक है जी, ये एरिया 0.34 के बराबर है, एक्चुअल एरिया ये है नहीं, तो 0.3413 पे जी स्कोर आपका 1 है, जी आपका 1 आया और मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन आपको दिया हुआ है। तो एक्स इज इक्वल टू जी क्यू प्लस म्यू, जी आपका 1 है, ये आपका 2 है और ये आपका 10 है, तो ये 2 + 10 इज इक्वल टू 12 मिनट्स, ये 12 मिनट के बराबर है। इसका मतलब है कि जो बंदा यहां पे कड़ा है, जिसके 84th percentile है, उसका रिएक्शन टाइम जो है वो कितना है, 12 मिनट के बाद उस पर ये दवाई असर करेगा, यानी रिएक्शन करेगा। अच्छा जी, ये हो गया। सपोज द एज इन अ, ये आपका जो है ना वो असाइनमेंट है। सपोज द एज इन अ पॉपुलेशन हैज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 50 इयर्स एंड अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10 ईयर, फाइंड द 50th परसेंटाइल ऑफ द वेरिएबल एज एक्स, यानी एज आपने मालूम करनी है एक्स, 65th पे एज मालूम करनी है और 10th परसेंटाइल पे एज मालूम करनी है। If a set of score on an epidemiology examination approximately normally distributed the mean of 76 and a standard deviation of 4, find what is the 33rd percentile of the variable score. 33rd percentile पे x मालूम करना है। What percent of the student who take this examination score at most 78 and what percentile score 78? x आपको दिया गया है, आपने at most की परसेंटेज मालूम करनी है और इसी पर आपने परसेंटाइल मालूम करना है। एंड देन व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट टेक दिस एग्जामिनेशन गेट अ स्कोर एट लीस्ट 67 एंड व्हाट परसेंटाइल इज दिस। अगर जिसका एक्स 67 है, हाँ, तो एट लीस्ट 67 का जो परसेंटेज है वो कितना है, 67 एंड अबव, और 67 पे आपका परसेंटाइल कितना बनता है, ये आपने करना है। लास्ट वन, ये जो असाइनमेंट है ये है कि ये जो कट ऑफ दिया हुआ है यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर, इस पे सबसे पहले आपने जी स्कोर मालूम करना है और उसके बाद हर एक कट ऑफ पॉइंट पे, इन चार कट पे 1, 2, 3 और 4 आपने एक्स मालूम करना है। एक में करके दे देता हूं, फॉर एग्जांपल ये वाला हम लेते हैं 40%, जो यहां पर कट है, ये मैं करके दे देता हूं। पहले आप ये देख ले कि आपके पास मीन जो है वो कितना है, 130 mm आप एच जी और स्टैंड डिविएशन 17 है, ये याद रखें। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये बीच है, ये 40 है, ये 40% है, ये फिर 5%, 5%, ये 40%। तो परसेंटेज में मुझे एरिया दिया गया है, यहां पर मैंने जी स्कोर मालूम करना है और फिर एक्स मालूम करना है। ये 40% के बराबर है, तो 40% का मतलब है कि 0.4000 के बराबर है। 100 पे अगर आप डिवाइड करें तो ये मेरे पास एरिया आया। ये एग्जैक्ट एरिया टेबल में नहीं है, बल्कि 0.3397 का एरिया करीब तरीन है। अब टेबल में आप खुद देख लें, ये एरिया 0.08 के नीचे है
और ये 1.2 के सामने है। आप अगर देख ले तो 0.3397 ये वाला आपको मिलेगा। मुझे याद इसलिए हो गया कि बार बार जो ना करने के बाद ये याद है कि इस पे एरिया कितना है, आप खुद टेबल में देख ले। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आपके पास 1.28 आपके पास जी स्कोर आ जाएगा यहाँ पे इसी कट पे। एक्स आप मालूम करेंगे तो क्या है, एक्स इज इक्वल टू जी क्यू प्लस म्यू। जी आपका कितना है, 1.28 है, आपका स्टैंडर्ड डिविएशन 17 है और म्यू आपका 130 है। इनको कैलकुलेट करके कहें कि ये बंदा यहां पे जो खड़ा है इसका जी स्कोर जो है ना 1.28 है, हाँ, तो इसका ब्लड प्रेशर कितना होगा आज, इंडिविजुअल ब्लड प्रेशर ये मेरे ख्याल में कोई 151 समथिंग के बराबर होगा। 151 है कितना है? हाँ जी 151.76 है, देख ले जरा कैलकुलेट करें एमएम ऑफ एचजी। आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ रही है। हाँ तो ये कैलकुलेट करें ना, 1.28 मल्टीप्लाई बाय 17 प्लस 130 151.76। हाँ जी ये आ रहा है। अब आपने यहाँ पे मालूम करना है जी स्कोर और फिर यहाँ पे एक्स मालूम, तो यहाँ पर जी स्कोर मालूम करने के लिए ये टोटल एरिया आप लेते, ये कितने के बराबर है, 45% के बराबर है। तो आपका जो एरिया होगा वो 0.4500 के बराबर, इस पे जी स्कोर आपने निकालना होगा, हाँ, जो कि मेरे ख्याल में 1.647 के बराबर है, 1.645 इसके बराबर है। यहाँ पे जो कट होगा ये भी 40% है, यहाँ पे -1.28 के बराबर है और यहाँ पर जो है -1.645 के बराबर है। ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि जो एरिया जो जी वैल्यू इधर आएगा और जो इधर आएगा, ये एक जैसे एरिया है तो इधर भी आएगा लेकिन यहाँ माइनस में होगा और यहाँ प्लस में होगा, बाकी आप खुद कर लें। चले जी समझ में आए यहाँ तक? जी सर। ऊंचा बोला करें।